हेलो गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं कि आप आईफोन से व्हाट्सएप का चैट विथ मीडिया फाइल्स आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो सैमसंग के गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 एंड जेड फ्लिप 3। तो आप देखते हैं कि कैसे ये डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको चाहिए डेटा केबल जो टाइप सी टू लाइटनिंग केबल हो या तो OTG केबल हो तो भी चलेगा। मेक श्योर करना कि आप जैसे ही कनेक्ट करोगे आपके सैमसंग के फ़ोन के अंदर आपको स्मार्ट स्विच पॉपअप कर देगा। आप देख सकते हो जैसे व्हाट्सएप के अंदर एक इमोजी और एक्सेल की फाइल का एक फोटोग्राफ भी है, आपको यहाँ पे पूरा डेटा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऐप्स को आपको सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी। पहले आपको नहीं दिखेगा ऐप्स के अंदर के क्या है। मेक श्योर करना है कि आपके पास डेटा केबल जो होगी, अगर आप OTG केबल यूज़ करें तो आपका जो नया फ़ोन है जैसे जेड फोल्ड 3 है या फ्लिप है उस पर आपका OTG होना चाहिए और लाइटनिंग केबल का डेटा केबल यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे आप ट्रांसफ़र के लिए व्हाट्सएप सेलेक्ट करोगे QR कोड आएगा। जस्ट आपको एक ही चीज़ करना है कि आप जब भी QR कोड आता है आपको कैमरे में जाना, आईफोन के कैमरे में आप सिर्फ जाके आपको कैमरे में जाके स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करोगे कैमरे के अंदर जाके, तो जैसे ही स्कैन करोगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको एक पॉपअप दे देगा QR का। जैसे ही करोगे तो यहाँ पे मूव चैट टू एंड्रॉयड पे स्टार्ट कर देना। जैसे स्टार्ट करोगे यहाँ पे डेटा पूरा स्टार्ट होना हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आईफोन के अंदर iCloud का जो ID होता है, वही iCloud अगर आप इसमें डालते हैं तो आपका डेटा ट्रांसफ़र जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने चेक भी किया था कि आईफोन के अंदर कौन सा iCloud डेटा है। इवन यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है एक बार आप चेक कीजिए कि नोटिफिकेशन पैनल में कोई प्रोसेस हो रहा है। यस, हो रहा है, तो आप इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे चेक कीजिए कि जैसे ही वो डन हो जाता है देन आफ्टर आप व्हाट्सएप को इनिशिएट कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे हो रहा है, अभी भी 1 मिनट लेफ्ट दिखा रहा है। तो जैसे ही ये डन हो जाता है मैं नेक्स्ट कर दूंगा और आपको बोला जाएगा कि आपको iMessage या iCloud का डेटा चाहिए कि नहीं। मैं बोलता नहीं चाहिए, मैंने डन कर दिया। अब मुझे सिर्फ व्हाट्सएप चालू करना है और वही मोबाइल नंबर जिस नंबर से मैंने ये व्हाट्सएप का डेटा ले रहा हूँ, बस वही नंबर आपको डालना है। नंबर डाल के OTP जो बेसिक प्रोसेस है, पर मेक श्योर कीजिएगा कि डेटा केबल वगैरह ओरिजिनल, और दूसरी चीज़ कि आपका जो iCloud का जो ID जो आईफोन में होता है वही, जो iCloud का आपको भी पता है कि Gmail भी हो सकता है, वही मेल ID आप इस पर डालिए। Gmail ID डालना कंपलसरी है। Gmail ID आप डालोगे तो ही ये आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। अगर Gmail ID नहीं होगा तो अभी वो आपको एरर यहाँ पे दिखाएगा। तो Gmail ID आपको डालना है। जैसे ही आप डाल के यहाँ पे प्रोसेस करोगे सी, आप देख सकते हो कि सारे डेटा वगैरह ये हमारे आईफोन से एंड्रॉयड में आ चुका है। ये देखिए, यही फ़ोटो हमने देखी थी एक्सेल की फाइल, सेम चीज़ें। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है जीमेल ID लॉगिन करना है आपके नए फ़ोन में।